हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आवर चैनल ऐसा स्टडी सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के एसए द जनरेशन गैप के बारे में जानेंगे जो कि बेंजामिन मैकलेन स्पोक के द्वारा लिखा गया है इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे आइए ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज रिविलस कॉमन इन यंग युवा लोगों में विद्रोह की भावना सामान्य क्यों है आंसर में हम लिखेंगे इज कॉमन इन यंग पीपल बिकॉज इट असिस्ट दैम इन अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस एंड वर्किंग फॉर प्रोग्रेस जो रिविलियसनेस यानी कि विद्रोह की भावना है कॉमन इन यंग पीपल कॉमन सामान्य जो रिविलियसनेस विद्रोह की भावना यंग पीपल में सामान्य है क्यों क्योंकि बिकॉज इट असिस्ट दैम क्योंकि यह भावना उन्हें इन अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस एंड वर्किंग फॉर प्रोग्रेस वास्तविक आज़ादी प्राप्त करने और प्रगति के लिए काम करने में सहायता करती है सेकेंड क्वेश्चन है वट इज़ द फर्स्ट फॉर्मेटेड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल किसी व्यक्ति पर पहला निर्माणात्मक प्रभाव कौन सा होता है द फर्स्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस आर द पेरेंट्स पहला निर्माणात्मक प्रभाव माता पिता होते हैं इन द अर्ली चाइल्डहुड शुरू के बचपन में ए बॉय स्ट्राइव टू बी लाइक हिज फादर एक लड़का अपने पिता की तरह एंड द लिटल गर्ल टू बी लाइक हर मदर और छोटी लड़की अपनी माता की तरह बनने की कोशिश करती हैं ये किसी व्यक्ति का पहला निर्माणात्मक प्रभाव होता है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं डो चिल्ड्रन हैव द टू स्टेप इन टू द सोज ऑफ देयर पेरेंट्स क्या बच्चों को अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत होती है आंसर में हम लिखेंगे नो दे डोंट हैव टू स्टेप इन टू द सोज ऑफ देयर पेरेंट्स नहीं उन्हें अपने माता पिता के कदमों पर चलने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन फोर्थ है इन ऑर्डर टू बिकम एन इफेक्टिव एडल्ट व्हाट शुड ए ग्रोइंग चाइल्ड डू एक प्रभावशाली क्रोध बनने के लिए विकसित होते हुए बच्चे को क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए ए ग्रोइंग चाइल्ड ब्रेक्स ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन इज पेरेंट्स यानी कि एक बढ़ते हुए बच्चे को ब्रेक्स ऑफ हिज डिपेंडेंस तोड़ देनी चाहिए डिपेंडेंस निर्भरता को ऑन इज पेरेंट्स अपने माता पिता की निर्भरता से ठीक है यानी कि अपने माता पिता पर जो निर्भर रहता है बया निर्भर उसे रहना छोड़ देना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एन एफेक्टिव एडल्ट ही मस्ट डिवलोप आइडियाज एंड एम्स ऑफ हिज ओन और उसे अपने स्वयं के ही जो आइडिया और जो विचार है विचार और एम्स हैं उनका उसे विकसित करना चाहिए ठीक है क्वेश्चन फाइव है वट इज़ द सेकेंड एलिमेंट डेट मेक्स अप द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि वह सेकंड एलिमेंट कौन सा है जो कि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बढ़ाता है द सेकंड एलिमेंट डेट मेक्स अप द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज हाउ स्ट्रोंग इज रिविलियन इज एंड वट फॉर्म इट टेक्स ये ऊपर वाली लाइन तो आपको सेम उतार देनी है फिर लिखना है इज हाउ स्ट्रोंग इज रिविलियन यानी कि उसका विद्रोह है कितना सशक्त है एंड वट फॉर्म इट टेक्स और इसका रूप क्या है ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था इस चैप्टर का लस्ट लास्ट क्वेश्चन है सिक्स वो है वट ग्रोथ अबाउट मैनी ऑफ डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानवीय सभ्यता में किस बात ने बहुत से विकास किए हैं मैनी ऑफ डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन सिविलाइजेशन वर ग्रोथ अबाउट वाई यंग पीपल मानवीय सभ्यता में बहुत से विकास युवा लोगों ने किए हैं द डेवलपमेंट्स प्रोथ बाई टेक्निकल इन्वेंशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज और जो ये विकास किए हैं युवा लोगों ने वो किस किस तरह किए हैं टेक्निकल इन्वेंशन और साइंटिफिक डिस्कवरीज करके ये विकास किए हैं तो ये हमारी चैप्टर द जनरेशन गैप की शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो थी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू धन्यवाद